अच्छी तरह बात कीजिए, अगर कहीं मुसीबत में तो मुसीबत में काम आइए उनके। ये सारी चीजें जो मुसलमानों के साथ आप करते हैं उसी तरह चलिए ठीक। ओके ओके चलिए ठीक। अभी गौतम जी एक मिनट जरा, चौधरी साहब एक काफिर वाली बात जो कि विरोध जी ने छेड़ी थी इसलिए यहां चर्चा में आ गई। हमारा नाम धर्म परिवर्तन के ऊपर बात कर रहे थे और कुरान पढ़ते मुसलमान हुए, ये दो किताब आपने दो किताबें पढ़ ली तो आप अपने को बड़ा आलिम फाजिल समझते हैं। बाकी लोग भी हैं डिबेट की शर्त करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप साइड में आप सालक डिबेट चला रहे हैं। आप दो किताबें लिखी, किताबें हमने भी पढ़ी लेकिन दूसरे को जाहिल ना समझे। अरे सर एक डिबेट आप दोनों के बीच में चल रहा है, एक डिबेट यहाँ चल रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है आप छोड़िए एक बार। चौधरी साहब भी नहीं है, बोलिए चौधरी साहब। अरे सर एक मिनट ठीक है सर, ऐसे बहस नहीं हो सकती, प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू। चौधरी साहब ये तो कोई तरीका नहीं है, फिरोज साहब प्लीज। चौधरी साहब आपने सवाल किया था कि ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, इसका जवाब ये आया था कि बीजेपी से इसी जवाब की उम्मीद थी। एक माध्यम से तमाम तरीके से लोगों को बहला फुसला करके किस तरह इस्लामीकरण का किया जाए। पाकिस्तान के अंदर देश का बंटवारा हुआ था जब कितने परसेंट हिंदू थे, और आज जब इतना ही गला है अपने भाईचारा बनाकर के रखना चाहते हैं तो आज कहां गए बांग्लादेश में कितने परसेंट पहुंच गए हिंदू। हां साहब बीच में नहीं, हां साहब बीच में नहीं, बीच में नहीं, आप गला बात भी ठीक कीजिएगा, बात पूरी आ जाने दीजिए। चलिए कहते दीजिए, माने जमीन कब्जा करके माने, तलवार से माने, पर उसको इस्लाम ग्रहण कराना है, इसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं। गजबाए हिंद का एक हिस्सा है, इसमें कोई नहीं है, इसको कुछ नहीं लेना चाहिए। आप पहले इस्लाम को पढ़ के बोला कीजिए जैसे हम हिंदू धर्म को पढ़ के बोलते हैं। आपने कोई किताब नहीं पढ़ी है, हमने जो है 18 रामायण पढ़ी है, चारों वेद पढ़े हैं, 18 पुराण हमने पढ़े, 12 उपनिषद पढ़े। आप दोनों बोले, बस उनका था बोलने का, आपकी आवाज उनकी आवाज दब गई। बोलिए चौधरी, इन सबको मक्का मदीना भेजिए जो जिहाद की बात करते हैं। हमने कुर्बानी दी है 6.5 अरे आपको नहीं कह रहे वो, हम आपको नहीं कह रहे भारतीय जनता पार्टी और पंथर जी चले जाएंगे, हम नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, पड़े आए कुर्बानी देने वाले। हमारी कोई कुर्बानी नहीं है, आपकी कोई कुर्बानी नहीं है, आपकी कोई भी आजादी के समय एक रक्ति सहयोग नहीं है, एक रक्ति सहयोग नहीं है आपका, एक रक्ति सहयोग नहीं है। आदर्श बना हुआ है किसान गुरु तेग बहादुर जी का, डाल दिया जाता है, 10 लोग नहीं है आपके साथ, 10 लोग भी आपके साथ नहीं है, फिर झूठ बोलने के लिए डाल दिया। 25 साल में एक ही बात कर रहे हो, झूठ की बातें कर रहे हो और देश को गुमराह कर रहे हो, हिंदू और मुसलमानों के बीच में नफरत पैदा कर रहे हो आतंकवाद के नाम पर। चलिए ठीक है, हिंदुस्तान सबका है, सबकी सबकी शहादत, सबकी शहादत का शामिल है हिंदुस्तान, बिल्कुल है, इनकी भी है, इनकी भी है, ये गलत कह रहे हैं, आपकी भी है, इनकी भी है। अरे ये तो दादागिरी कर रहे हैं, दादागिरी नहीं चलेगी आपकी। हिंदुस्तान की आजादी में सभी की कुर्बानी का खून, हाँ ठीक है बंसल साहब एक मिनट, आप उससे बात कीजिए, पुरखों का भी है, मेरे पुरखों का भी है, आपके पुरखों का भी है, हिंदुत्ववादियों का कोई हिस्सा नहीं है, हिंदुओं का सबका है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका, सबकी कुर्बानियां शामिल है, बिल्कुल शामिल है, मुसलमान भी, आपको पता है जब हिंदुत्ववादी हिंदू नहीं है, आपको पता होना चाहिए। 1857 क्या, एक सेकंड सर, ये क्या परिभाषा है इसका, ये भी जरा बता, हिंदुत्ववादी जो है जो राजनीतिक जो है जो है एंगल देखते जो है शामिल है, फिरका परस्ती और संप्रदाय तक तरफ ले जाता है, वो हिंदुत्ववादी नहीं होने वाला है। मतलब एक सर, इस्लाम मानने वाला मुसलमान, हाँ इस्लाम मानने वाला मुसलमान, ये हिंदुत्व मानने वाला हिंदू नहीं, हिंदू 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 मत को मानने वाला हिंदू है, हिंदुत्व को नहीं, हिंदुत्व तो 1922 से जो है सावरकर। अरे इनके पीछे तो कृष्ण जी की और गाय की फोटो लगी रहती है हर वक्त,
सावरकर भी हिंदू नहीं थे, सावरकर हिंदू नहीं थे, हिंदू थे ना, इनको 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 क्यों इनको यहाँ हिंदू भी नहीं गिना पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा इंडिया से गायब हुई है, इनका मुंह नहीं खुला।